हाय एवरीवन, दिस इज सफिया इंतजार। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फिरनी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर दूध तकरीबन 1 किलो, उसके साथ हमें चीनी चाहिए 1 कप, 5 टेबल स्पून हमें यहाँ पर चावल का आटा चाहिए। बाजार से भी ले सकते हैं, नहीं तो आप घर पर भी बना सकते हैं। छोटी इलायची 3 अदद और साथ में हमें चाहिए बादाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूध ऐड करेंगे। इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर दूध बॉईल होना शुरू हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम चावल का आटा और थोड़ा सा इसको फेंट दूंगी मैं, ताकि इसके अंदर गुठलियां ना बने। बिल्कुल लो आंच पे इसको अब रखना है और कंटिन्यूअसली इसमें चम्मच हिलाते जाना है और इसको पकाना है। तेज आंच पे इसे नहीं रखना। तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए लो फ्लेम पे। अब इसमें शामिल कर देंगे इलायची और 5 से 10 मिनट के लिए मजीद इसको पकाते रहेंगे और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है इसमें। तकरीबन 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और चावल का जो आटा हमने डाला था वो भी पक रहा है इसमें, और पहले से ही अभी गाढ़ा हो गया, अभी मजीद ये पकेगा। तो इसे कॉन्टिन्यूसली इसी तरह से पकाते रहेंगे। आप ये देख रहे हैं कि पहले से ज़्यादा ये थिक हो चुकी है, तकरीबन आधी पक चुकी है फिरनी हमारी। अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी चीनी। मैंने तकरीबन 1 कप चीनी ली है और मैं तकरीबन इसमें सारा ही डाल दूँगी। यहाँ पे आपको बता दूँ कि समटाइम आपके पास जो चीनी होती है उसका साइज़ बड़ा होता है, कुछ बारीक चीनी होती है, तो आप उसी हिसाब से उसमें आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी को। मेरे पास चूँकि जो चीनी है वो बारीक है, तो मैं 1 कप इसमें ऐड कर दूँगी, जिससे टेस्ट इसका ठीक बन जाएगा। तो यहाँ पर आप अपनी जो शुगर की क्वांटिटी है वो अपने मीठे के हिसाब से और साइज़ के हिसाब से आप ऐड करिए। अभी ये मज़ीद कॉन्टीन्यूसली हम चलाते रहेंगे चम्मच, क्योंकि चम्मच इसमें नहीं रोकना, अगर आप रोक देंगे तो फिरनी जलने का डर है। तो फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है पक के। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बादाम। फाइनली फिरनी हमारी रेडी हो चुकी है, तो चले हम इसे अब सर्व करते हैं। तो फाइनली फिरनी की रेसिपी रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे जरूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक पहुँचती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।